तो उन्होंने उसे पकड़ लिया। तो जब थाने लेके जाने लगे ना, तो उसने कहा कि मुझे माफ कर दें कि मैं इतना नहीं करूँगा। तो शायद तो होते बेचारे रहम दिल होते हैं, उन्होंने कहा ठीक है एक सूरत में तुम्हें माफ करूंगा कि तुम मेरी गजलें सुनो। अच्छा वो दीवान लेकर बैठ गए, एक गजल भी सुनाई, दूसरी सुनाई, तीसरी सुनाई, तो उसने हाथ बांध दिए, उसने बेहतर है क्या मुझे थाने दें। तो हमारी भी कुछ ऐसी हालत होती थी उसकी कि हाँ फिर वो तलाश कर रहे हैं दे रहे, मैं तो कहते कि गया नहीं तू अभी तक, कहते जी जूता नहीं मिल रहा, तो कहता मेरी पा जा तो। तो वो इस तरह सफर आगे बढ़ा, बहुत से लोगों को सुनने का देखने का करीब से मौका मिला। अभी प्रोग्राम थोड़ा लेट हो गया, मैं इसकी भी माफी चाहता हूँ, हम तो खैर वक्त पे आ गए थे। तो ये हमारी एक कह लें कि परंपरा है, क्या है कि हम वक्त पे कोई काम नहीं करते, कि हमारे यहाँ अगर ट्रेन वक्त पे आ जाए ना तो कोई लेने नहीं गया होता। कि वो एक दफा ट्रेन 7 बजे की ट्रेन 7 बजे आ गई, तो लोगों ने पूछा भाई ये कैसे 7 बजे आ गई है, कहते ये कल 7 बजे आ रही थी, ये 24 घंटे लेट। तो ये थोड़ा सा प्रोग्राम, खैर थोड़ा तो नहीं, घंटे से ऊपर ही हो गया शायद लेट। इसी तरह एक अदबी प्रोग्राम था, वक्त पे शुरू हो गया, तो एक साहब लेट हो गए, तो वो कोई गाड़ी पार करते कुछ 10-15 मिनट उनको लग गए, तो चौकीदार ना दरवाजा नहीं खोल रहा था। तो उन्होंने कहा भाई आप ये तो नॉर्मल हमें आने दो, आप कहते जी नहीं दरवाजा नहीं खोलेगा, फिर आप आइए। कहते नहीं क्या वजह क्या है, कहता का दरवाजा खोला जो बैठे हुए वो भाग जाएंगे। तो खैर ये तो थोड़ा मजाक, क्योंकि मैं थोड़ी ड्राई गुफ्तगू करने लगा। तो और इसके बाद यहाँ कनाडा हम आए, तो यहाँ मुलाकात हुई, नईम तलत बैठे हैं, डॉक्टर मोनिका से भी उसी वक्त का तलक है, मुख्तार हसन साहब, खोखर साहब, ये जैसे जिक्र है। तो नईम ने उस वक्त नवाए पाकिस्तान का आगाज हुआ था, तो नईम ने उसमें कालम, क्योंकि नए लिखने वालों की ज़रूरत थी, लोकल जो लोग लिखते हैं, अमूमन अखबार यहाँ ऐसे थे कि पाकिस्तान से या इंडिया से जो लिखते थे उनकी कॉपी करके अखबार में छापते थे, लेकिन मुख्तार साहब ने उस ट्रेंड को थोड़ा बदलने की कोशिश की कि उन्होंने लोकल लोगों को प्रमोट किया। तो इसकी बड़ी मिसाल नईम साहब हैं, मैं भी उसी अखबार की पैदावार समय लें। तो नईम, क्योंकि हम बैठते थे, मेरी बातें मेरी गुफ्तगू होती रहती थी, तो ये कहते यार तू लिखता क्यों नहीं। तो मैं, सच्ची बात है, जब वहाँ कनाडा आया तो मैं सब कुछ भूल आया कि जो काम किया ख़त्म, अब पैसे कमाने हैं और यहाँ रहना बस। तो जब हालात थोड़े नॉर्मल हुए तो कहते बांदर हो गए थे छाल भी ना मारे। तो फिर हम उसी तरफ के फिर दोस्त ऐसे मिल गए, ये आपके इर्द गिर्द जो माहौल होता है ना वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि कैसे लोग, और खुशकिस्मत था कि वो शक्कर खोरे नु शक्कर मिल जाती है, कि नईम था ये लिखने वाले थे, फिर तारक अपने वो तारक शाह साहब थे, एक अपने उमर आलम सैयद साहब, उनकी किताब है बिहारियों का मुकदमा, बड़ी खूबसूरत किताब उन्होंने लिखी है। तो इन लोगों ने पुश करके मैंने कालम से इब्तदा की, लेकिन कालम का मसला यह था कि मुझे लिखना पड़ता था, एक तो सियासत पे मुझे दिलचस्पी लिटरेचर से थी, तो ज़्यादा सा वो काम नहीं चला। फिर मैंने अफसाना लिखना शुरू कर दिया, तो अफसाना जब लिखा तो मैंने 3-4 जो टेक्निक्स यूज़ की मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने जब अफसाना, क्योंकि लिखना शुरू किया अफसाना, तो उसमें ये था कि पहले जो इब्तदा में लिखा कि वो एक अखबार के पास जगह थोड़ी होती थी, वो उसका बकिया लगा देते थे अफसाना, और फिर उसका अगले हफ्ते कोई पढ़े तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इसे पढ़ता हो, क्योंकि मैं खुद एडिटर था। बहुत अच्छा अफसाना मेरे पास आया तो मैं क्या रोक देता था, मेरे पास उस सफ़े कम होते थे, तो जो अफसाना छोटा होता था ना मैं वो लगाता था, बेशक वो टेक्निक लिहाज से या वो थोड़ा कमज़ोर भी हो, लेकिन मैं वो उसको नसरी जो है उसको जगह देने के लिए छोटे अफसाना। तो मेरे जहन में था कि यार एक दूसरा वक्त बदल रहा था, कि लोगों के पास टाइम नहीं था, तो मैंने जो तजर्बा किया
आज लोग कहते हैं जी 20 लफ्ज़ों की कहानी, 100 लफ्ज़ों की कहानी, 200 लफ्ज़ों की कहानी। अगर आप चौथा आदमी देखें तो मैंने उस वक्त लिखा था तो मुख्तसर अफसाने, 3 सफ़े में अफसाना ख़त्म हो जाता है। उसकी वजह भी थी कि अगर कोई फर्ज करें कि गाड़ी में किताब पढ़ी या कोई आप कोई दोस्त या कोई बैंक गया है तो उसके आने तक आप एक कहानी, मुकम्मल कहानी पढ़ सकते हैं। तो मैंने वो तजर्बे में पहली ये बात थी कि मुख्तसर लिखा, दूसरा ये था कि आसान लिखा। जब मैं लिखता था, जब मैं पढ़ता था, क्योंकि मैंने पढ़ा बहुत था, मैंने बहुत ही ये अच्छा हुआ कि मैंने थोड़ा लेट लिखा, मुझे मैंने एक लिटरेचर बहुत पढ़ा तो अच्छा लिखने के लिए पढ़ना भी बड़ा ज़रूरी है। तो फिर मैंने दूसरा है कि उसको मुख्तसर लिखा, दूसरा आसान लिखा कि आपको बाद राइटर होते हैं कि आपको डिक्शनरी देखनी पड़ती है या कुछ है। तो मैंने कारी के ऊपर रोब नहीं डाला, उसकी उंगली पकड़ के उसे साथ चलने की कि मेरे साथ लेकर चलने की कोशिश की, जैसे श्रीवास्तव साहब बात कर रहे थे। तो वो, और तीसरी ये बात थी कि मैंने रोज़मर्रा की ज़बान इस्तेमाल की। लिटरेचर की ज़बान ज़रा डिफरेंट होती है, हमें वो भी पता है, लेकिन रोज़मर्रा की जो ज़बान है, कहाँ जा रहे हो, किधर है, तो मैंने कोशिश की कि जो हम रोज़ बोलते हैं क्यों ना उसको, मैं क्योंकि तजर्बा करने से नहीं डरता ना लिखने से डरता, जो मेरे मन में आया मैंने लिखा। तो तीसरा ये है कि बयानिया अंदाज इस्तेमाल किया। एक अलामती अफसाना होता है कि जैसे गमले में उगा हुआ शहर, घोड़ों के शहर में अकेला आदमी, मैंने भी शुरू में इस्तेमाल किया था कि गोरा कब्रिस्तान उसको सिंबल किया कि जैसे कनाडा है तो बंदे का जनाजा आ रहा है जैसे वो कनाडा आ रहा है, लेकिन वो मुझे खुद ही मज़ा नहीं आया। मैंने कहा कि अलामती अफसाना नहीं लिखा, बयानिया अंदाज में लिखा जाए। उसका एक फ़ायदा ये होता है कि हमारे दादी नानी पढ़ी लिखी नहीं होती थी तो वो जो कहानी चलती थी, जैसे कहते जी हमने शॉर्ट स्टोरी मगरब से ली है, मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ बहुत पहले थी, लेकिन हम पढ़े लिखे नहीं थे, उसको किताबी शक्ल में नहीं ला सके, वरना हम रोज़ रात को दादी कहानी सुनाती थी, नानी कहानी सुनाती थी, उन्होंने कहाँ से सीखी, वो उन्होंने अपनी दादी नानी से सुनी। तो इस तरह करके ये सीना पसीना हमारे अंदर चलते रहे। तो मैंने कहा यार क्यों ना ऐसी टेक्निक यूज़ की जाए कि मेरा कोई भी अफसाना आप सुना सकते हैं। शायरी ये है कि अगर मैं बहुत अच्छा शेर सुनाता हूँ वाह वाह होगी और बुलबुले की तरह होगी, उसके बाद हम उठ के बाहर चले जाएंगे, भूल जाएंगे। कहानी एक ऐसी चीज़ है, मेरे साथ ये एक्सपीरियंस है कि कोई अच्छी कहानी मुझे जब डंग मारती है तो मैं कई दिन तक उसके शहर में रहता हूँ। कि मैंने कहा कि क्यों ना ऐसी चीज़ को इस्तेमाल किया जाए कि वो आगे सुनाई जा सके, क्योंकि किताब हर बंदे के पास आप नहीं पहुँचा सकते। आप ये है कि अगर आपने एक कहानी सुनाई, उसका क्या नाम है, आप किसी ने पढ़ी है तो कहीं दोस्तों में बैठा है वो उसका जिक्र ज़रूर करेगा। नईम की किताब का फंक्शन था मिर्च मसाला में, तो हम थोड़े लेट उस दिन आए, तो आके बैठे तो एक साहब थे वो मेरी कहानी सुना रहे थे, तो हम नईम बैठ, हमने आगे हम भी बैठ गए, उसको नहीं पता कि नहीं शुएब आएगा और इसकी कहानी ट्रांसफ़र करानी थी शायद। तो इतना मन को अच्छा लगा कि यार कि वो आपके सामने बंदा बैठा और आपको नहीं जानता और आपकी कहानी सुना रहा, और वो भी उसके पास कोई किताब नहीं है। तो जो मैंने टेक्निक यूज़ की थी या जो, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार मैं आज कामयाब हो गया। तो इसी तरह फिर थोड़ी तनकीद का भी, इसका ये नुकसान भी होता है कि हर बंदे को हर चीज़ समझ आ रही होती है, तो वो और हर बंदे का जो लेवल है वो डिफरेंट, सोचने का अंदाज डिफरेंट। तो तनकीद का भी बड़ा, एक दफ़ा रफीउद्दीन राज साहब की कॉल आई तो उन्होंने पूछा, बहुत बड़ा नाम है उर्दू पोइट्री में नॉर्थ अमेरिका का, तो बड़े नामों में से मान, तो उनकी कॉल आई तो कहते कैसे, तो मैं सुनाऊँ क्या कि जी आजकल बड़ी तनकीद कम्युनिटी ने हुक्का पानी बंद की थी लाइक ऐसा ही, तो कहते बेटा मुबारक हो। तो मैंने कहा मैं परेशान हूँ थोड़ा, तो आप कह रहे हैं कि मुबारक हो, कहते हैं कि लोग सारी ज़िंदगी लिखते रहते हैं, लोग नोटिस ही नहीं लेते, तो कम अज़ कम तुम्हें किसी नोटिस तो लिया। तो मुझे एक नया उस पर हौसला हुआ। और दूसरा, कोई पर्सनल नहीं होता, कोई ऐसा है जो देखते हैं कि होता है ना ऐसे कि जितना हम जानते हैं उतना हमारा इलम होता है,
उससे आगे हम सब शायद और जो मैं लिखता हूँ उसका तो मैं जिम्मेदार हूँ, जो आप कोई समझता उसकी तो जिम्मेदारी मुझ पर नहीं। तो मैं एक आखिरी, काफ़ी लंबा हो गया, मैं एक शेर याद आ गया कि ऐ दोस्त ये तहजीब मुझे इश्क ने दी है, तमर साहब का शेर है कि ऐ दोस्त ये तहजीब मुझे इश्क ने दी है, मैं दश्त में भी खाक उड़ा कर नहीं आया। बहुत शुक्रिया।